वेलकम टू एल्जेस मॉम किचन। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। आज मुझे पता नहीं है कि मेरी स्वीट मॉम क्या बना रही हैं, तो चलिए पूछते हैं। गाइस, अब मैं आ गई हूँ मम्मी के पास और आज सुमैर मैविज भी आई है। मम्मी, आप आलू क्यों छिल रही हैं आज? आज मैं बना रही हूँ आलू दम, जो हमारी चुनमुन को बहुत पसंद है, मतलब हमारी अलीजा को, जो प्यार से मैं उसे चुनमुन बोलती हूँ। पप्पी, इसके साथ ना मेथी की पूड़ी भी बनाइएगा। बिल्कुल बनाऊंगी बेटा, आज आप लोग को दोनों को बना के खिलाऊंगी। आप क्या खाओगी मैविस? मैं भी मेथी की पूड़ी खाऊंगी और आज मैं अपनी पप्पी के आलू के ये डिश जरूर खाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल खिलाऊंगी ये डिश मेरी पप्पी, सारी खीर भी बनाएंगे और मुझे मेरी पप्पी के सारे डिशेज बहुत पसंद है। देखते हैं रेसिपी आलू दम की, जो कि बहुत ज्यादा यम्मी बनने वाली है। चलिए देखते हैं। आलू दम बनाने के लिए हमने 1 किलो से कम आलू लिया है। सभी आलू को अच्छे तरीके से ऐसे छीलेंगे, नया आलू है। उसके बाद छीलने के बाद फोक से सब में ऐसे ऐसे छेद कर देंगे, चारों तरफ से छेद इसलिए करेंगे कि जब हम इसको मसाले में डालेंगे तो सारे मसाले इसके अंदर चला जाए। ढाबे स्टाइल आलू बनाने के लिए हमने इस पतीले में 1 कप भर के सरसों का तेल डाला है, जो तेल हमारा हीट हो चुका है। उसमें हम डालेंगे ये आलू को, हम पहले अच्छे से तल लेंगे पूरा आलू, हम इसमें डाल देंगे। तो हम अच्छे से आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ढाबे स्टाइल का आलू दम बनाने के लिए हमने ये 2 प्याज को महीन महीन काट लिया है, 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच हमने भर के धनिया लिया है, धनिया का पाउडर है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने कश्मीरी लिया है, 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया, 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च लिया है। फिर हमने 2 टमाटर को कट कर लिया है और ये काजू, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। दोनों को मिक्सी में पीसेंगे। 2 हरी मिर्ची है, कुछ गरम मसाला है, 2 इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी है, 2 तेज पत्ता है, 2-3 लौंग है। ये आलू हमारा फ्राई हो चुका, अब इसे हम निकाल रहे हैं। हमने उसी तेल में, थोड़ा तेल ज़्यादा था तो हमने पहले निकाल लिया, उसी तेल में हम थोड़ा सा ये मेथी डालेंगे, जो हमने आपको बताना 2-4 दाने मेथी डालेंगे। मेथी से मस्त फ्लेवर मिलता है। फिर उसमें हम डालेंगे तेजपत्ता, लौंग, इलायची, ये डालेंगे। इसे हल्के हाथों से ऐसे चलाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसी में हम ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज हमारा गोल्डन हो जाएगा, फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसे हम 2 मिनट तक इसे चलाएंगे। ये हमारा इसका कच्चापन अदरक लहसुन का खत्म हो गया। अब ये हम सारे मसाले इसमें डालेंगे, इसे भी 2 मिनट तक चलाएंगे। इसे जो हमने टमाटर और काजू का पेस्ट बनाए थे वो पूरा हम इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये नमक हम बताना भूल गए थे, नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक के मीडियम आंच पे पकाएंगे। अब ये मसाला हमारा काफी भुन गया है, थोड़ा सा और 5 मिनट और इसे भूनेंगे। इसकी अच्छी खुशबू भी आ रही है, लेकिन 5 मिनट तक इसे और भून लेते हैं। अब ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल के इसे हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट तक इसे आलू डाल के अच्छे से भूनेंगे।
ढाबे वाला आलू दम रेडी हो गया है। इसका कलर कितना खूबसूरत, इसकी खुशबू भी मस्त लग रही है। मम्मी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आप कब आलू दम बनाएंगी? नानी बनानी थी सूखा वाला। बिल्कुल बनाएंगे बेटा, अब ये रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे थोड़ा से, बस इसे भी ढक के 2 मिनट तक और पकाते हैं। और गाइस जब ये पक जाएगा तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको खाने के लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। जैसे अब हमारा आलू दम ढाबे स्टाइल का रेडी हो गया है। अब इसमें हमने ग्रेवी अपने हिसाब से हमने रखा है, आपको जितना रखना होगा आप रखिएगा। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल रहे हैं, वो देसी धनिया है, इसकी अलग ही खुशबू और अलग ही जायका है। अब इसे इसका जायका हमारी एलिजा बताएंगी। तो अम्मा मैंने बना दिया आलू दम, कल पूरा बन गया था। कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं कल आपको जायका नहीं बता पाई थी। तो आज मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है तो मैं आपको अब जायका बता दूंगी। और उसके साथ मामा ने आलू दम के साथ मुझे गरम गरम मेथी की पूड़ियां बना के दी हैं। और कल से मैं विश खा के चली गई थी, उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मामा ने कल भी बना दी थी उनके लिए मेथी की पूड़ी, उनको दोनों चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और अभी मेरी तबीयत खराब है तो चलिए मैं आपको जायका बताती हूँ। जायका बताने के पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल में आपको कुकिंग के साथ ब्लॉग भी दिखेगा, पहले दिखता था अब मिक्स रहेगा, कुकिंग भी दिखेगी और ब्लॉग भी दिखेगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जायका। अब मामा ने मुझे सर्व करके दे दिया, मैं आपका जायका बताती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया गर्म गर्म मेथी की पूड़ियाँ हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ जायका। बहुत ज्यादा अच्छा बना है, मैं आपको एक और बाइट लेके दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा बना है। बहुत ज्यादा अच्छा बना है, जो उसके मसाले का फ्लेवर में बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है और मेथी की पूड़ी के साथ तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा हमारी रेसिपी। टिल देन के लिए बाय।